जबलपुर के रानीताल स्टेडियम में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरे दिन काफी रोमांचक मैच खेले गए, जिसमें सैकड़ों की संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं खेलो इंडिया यूथ गेम देखने पहुंची। तीसरे दिन मध्य प्रदेश खो-खो टीम का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। मध्य प्रदेश की बालक और बालिका की टीम अपने मैचों में हार कर बाहर हो गई। खेलो इंडिया का आज तीसरा दिन मध्य प्रदेश जबलपुर में खेलो इंडिया खेली जा रही है खो खो में, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह भारतीय खेल को इतना उठाया है कि गांव गांव के बच्चे यहां पे एक तो देखने आ रहे हैं, और आज हमारे मध्य प्रदेश और तेलंगाना के बीच मैच बालक वर्ग में हुआ था। इसमें अच्छा कसमकस मैच में मध्य प्रदेश ने 2 अंकों से विजय हासिल करी है, और यहाँ पर सभी इतनी व्यवस्थाएँ दे के रखी है गवर्नमेंट ने, शासन ने, कि सभी को 3 स्टार के होटल में ठहराया गया है। और आप देख रहे हो तचा डोम जो लगाया गया है, इतना पैसा बच्चों के पीछे खर्च की जा रही है शासन, उसके लिए शासन के हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारी टीम दिल्ली से आई है जो हर ग्राउंड के अंदर खड़ी है, उसमें हर प्लेयर के ऊपर नज़र रख रही है। एक ऐसा कोई प्लेयर नहीं है हमारी नज़र में, कोई ऐसा कोई मेडिसिन ना खाए, उनके ऊपर बताया जा रहा है और उन पर नज़र रख रही है जो देश का बदनाम ना करें। आर चीज सबसे बड़ी बात है कि हमारे लिए खुशी की बात है कि मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो रहे हैं, और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे ही ग्राउंड में आर्चरी का टूर्नामेंट हो रहा है। ये बहुत ही मतलब हमें लगता है पॉजिटिव है, और जो नए बच्चे उभरते हुए आ रहे हैं पूरे देश से, उनको ये यहाँ पे पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा और वो पदक जीतेंगे। उसी प्रकार से हमारे भी चारों इवेंट में बड़े अच्छे बच्चे हैं, जैसे अमित कुमार सलोनी, सोनिया ठाकुर और राघव पाटीदार। जिसके अमित की बात करें, वो इंटरनेशनल मेडलिस्ट है वर्ल्ड चैम्पियनशिप यूथ के, और सोनिया फ़िलहाल अभी लास्ट मंथ ही इंटरनेशनल खेल के आई हैं। सलोनी सब जूनियर मेडलिस्ट है इससे पहले, तो हमें उम्मीद है कि हम भी पदक जीत के मध्य प्रदेश को गौरव बढ़ाएंगे। दोस्तों, न्यूज़ टेक लाइव के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस करें।